वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 15 जनवरी 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज की वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो के साथ आपको एक इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे भी मिलेगा, जिसका कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और हिंदी अर्थ आपको बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत किस देश के साथ सहयोग का जीन अभ्यास कर रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। जापान कोस्ट गार्ड शिप इचिगो 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर 13 जनवरी 2020 को चेन्नई पहुंचा। यह 16 जनवरी 2020 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग काजीन में भाग लेगा। यह अभ्यास का 19वां संस्करण है। इसका उद्देश्य दोनों तटरक्षकों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी समझ को और मजबूत करना है। अब बात करते हैं जापान की, या वर्ल्ड के मैप में जापान को देख सकते हैं। ये यहाँ पे जापान है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित हैं। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापान में वहाँ का मूल निवासियों की जनसंख्या 98.5% है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय है। जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और बौद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म, जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी हैं। जापान कई द्वीपों से बना देश है, लगभग 6800 द्वीप जापान में हैं, जिनमें से केवल 340 द्वीप 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है, कभी कभी इनके क्रम पूछ दिए जाते हैं। तो ये द्वीप हैं होक्काइडो, होन्सु, शिकोकु और क्यूसू। ये क्वेश्चन आरओ परीक्षा में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना का वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना का वयोवृद्ध दिवस, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 जनवरी। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। इस दिन को शुरू में आर्मिस्टिस डे कहा जाता था। इस दिन को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ओबी, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और उन्हें मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जो कि 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की एट वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर्स ऑफ SCO सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2020 को की थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक स्मारकीय श्रद्धांजलि है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बात करते हैं SCO की, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा 15 जून 2001 को संघाई चीन में की गई थी। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी SCO की। उज्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 26 अप्रैल 1996 में गठित संघाई 5 यानी कि संघाई 5 नाम था पहले, इस समूह के सदस्य हैं। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे, जबकि वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो पूर्ण रूप से भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकल देवव्रत पात्रा। 14 जनवरी 2020 को सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत पात्रा को नियुक्त किया। पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के पूर्व परिपक्व इस्तीफे के लगभग 6 महीने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। पात्रा अपनी नियुक्ति के समय से 3 साल के लिए उपराज गवर्नर के रूप में काम करेंगे। बात करते हैं RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI की स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। RBI 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के सामने भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की थी।
आरबीआई का वर्तमान केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है जो कि पहले कोलकाता में था। वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अमेरिकी और विदेशी नागरिकों को भाषा सीखने और भारत की संस्कृति के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए मुफ्त हिंदी कक्षाएं प्रदान करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोक्षराज। भारतीय दूतावास ने अमेरिकियों और विदेशी नागरिकों के लिए मुफ्त हिंदी कक्षाएं शुरू की हैं जो भाषा सीखने और भारत की संस्कृति के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। मुफ्त हिंदी कक्षाएं 16 जनवरी 2020 से दूतावास में भारतीय संस्कृति के शिक्षक मोक्षराज द्वारा प्रदान की जाएंगी। मोक्षराज वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास में भारत द्वारा नियुक्त पहला सांस्कृतिक राजनयिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से इसरो संचार उपग्रह GSAT-30 को जनवरी 2020 में Ariane 5 लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेंच गयाना। इसरो 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गयाना से Ariane 5 प्रक्षेपणयान पर एक संचार उपग्रह GSAT-30 लॉन्च करेगा। GSAT-30 को उन्नत कवरेज के साथ INSAT-4A अंतरिक्ष यान सेवाओं के प्रतिस्थापन के रूप में काम करना है। 15 साल के मिशन जीवन के साथ GSAT-30 DTH टेलीविजन अपलिंक और VSAT सेवाओं के लिए एक परिचालन संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 में कहां आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 14 जनवरी 2020 को भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 नई दिल्ली में आयोजित की गई। बांग्लादेश के सूचना मंत्री मोहम्मद एच महमूद 13 जनवरी 2020 को नई दिल्ली पहुंचे। दोनों पक्ष बांग्लादेश के संस्थापक व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान की द्विपक्षीय योजनाबद्ध बायोपिक पर बातचीत करेंगे। बांग्लादेश बेहतर और ऑल इंडिया रेडियो ने जानकारी साझा करने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में पर्यटन के जरिए समग्र विकास के लिए केंद्र द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों की पहचान की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 16। केंद्र ने पर्यटन के जरिए समग्र विकास के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16 और लक्षद्वीप में 10 द्वीपों की पहचान की है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में द्वीप विकास एजेंसी की 6वीं बैठक में यह खुलासा किया गया। देश में पहली बार पहचान किए गए द्वीपों में सतत विकास की पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित हैं, यहाँ पे होना चाहिए किस राज्य से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि निशानेबाजी से संबंधित है 10 मीटर एयर राइफल में। हरियाणा के साइकिल चालक अनिल ने सड़क दौड़ में जीत हासिल की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो जनवरी या फरवरी में वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं जो दो वर्गों अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्र के लिए आयोजित किए जाते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो देश के नक्शे में ये है महाराष्ट्र, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, गुजरात से लगती है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली से भी महाराष्ट्र की सीमा लगती है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को ही थी। महाराष्ट्र में वर्तमान में जिलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। विधायिका की बात करें तो महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधायिका है, जिसमें विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। वहीं बात करें अगर लोकसभा सीटों की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, भोगी दिवस पर अनावश्यक या अनुपयोगी सामग्रियों का निपटान किया जाता है, जिसका स्वागत करने के लिए निम्न में से कौन सा शुभ त्यौहार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पोंगल। 14 जनवरी 2020 को तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई अन्य हिस्सों में भोगी मनाया जा रहा है। यह तमिल कैलेंडर में मारक जही के महीने के अंतिम दिन को चिन्हित करता है। भोगी दिवस पर 15 जनवरी 2020 को शुभ पोंगल त्यौहार का स्वागत करने के लिए अनावश्यक या अनुपयोगी सामग्रियों का निपटान किया जाता है। भोगी भव्य पोंगल उत्सव से पहले मनाया जाता है। कल के प्रश्न का उत्तर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2020 का
20 जनवरी 2020 को आयोजित होगा। माई गवर्नमेंट के साथ साझेदारी में HRD मंत्रालय, कल के क्वेश्चन का सही आंसर था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एक लघु निबंध प्रतियोगिता भी शुरू की है। अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब वर्ड ऑफ द डे की बात करते हैं, तो आज का वर्ड ऑफ द डे हमारा एप्सकॉन, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है फरार होना। सिनोनिम्स पर्यायवाची की बात करें तो डिकैम्प और मेक ऑफ, वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो अपियर और अराइव। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की।